नगर परिषद त्योथर में दिखने लगा बदलाव, सफाई कार्यक्रम हुआ तेज, लगा जंग को छुड़ाने का मुहिम तेज। आपको बताते चले नगर परिषद में अपने एक्शन मूड में दिखने लगा है। जहां नगर के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था, वहीं गंदगी रूपी जंग को छुड़ाने का प्रयास जारी हो चुका है। बस स्टैंड, मेन बाजार में सफाई का कार्यक्रम बड़ी तेजी से होता नजर दिखाई दे रहा है। यदि यही गति बनी रही तो नगर परिषद अपने साफ और स्वच्छ दिखने लगेगी। नगर परिषद को लोगों में उल्लास दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में परिषद के गठन के बाद एक आशा के किरण उम्मीद जगी है। देखने वाली बात तो यह होगी कि यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। बरसात का समय है, नालियां ब्लॉक हैं, नगर परिषद सफाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। पूर्व में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष द्वारा चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि बहुत जल्द ही नगर परिषद की सड़कें और नालियां दुरुस्त करते हुए मिलेंगी, जिसकी वानगी देखने को मिलने लगी है। देखने वाली बात यह होगी कि वार्ड क्रमांक 5 एवं 7 में निर्माणाधीन नाली की गुणवत्ता विहीन बनाई जा रही है, नगर परिषद पर उसका क्या एक्शन है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए तहसील ब्यूरो चीफ कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप नगर परिषद में अभी CMO होके आए, इसके पहले सर जो है प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल ने और तमाम चैनलों ने जो है नगर परिषद के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं, जैसे बस स्टैंड के पास नाली, मरजिया और वार्ड नंबर 5 और 7 में यहाँ पर 8 और 4 मानक विहीन नाली का निर्माण सर हो रहा है, लेकिन कोई इसको देखने नहीं गया। सर, आपने कभी देखा जाके सर कैसे बनाई जा रही है? इसकी शिकायतें बाद में भी मिली थी और अभी तो मुझे 2-3 दिन ही आए हुए हुआ है यहाँ पे, और निश्चित रूप से ऐसी शिकायत आएगी तो उसमें सुधार किया जाएगा, निरस्त करने लायक होगी तो निरस्त भी किया जाएगा उसका। सर, आप मौके पर अगर देखेंगे तो त्योथर बस्ती बस स्टैंड से जो रामणा मैदान की ओर जाती है, सड़क की कंडीशन ये कि लोग आए दिन गिरते हैं वहां पर, और ये टेंडर कब से लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। नाली भी मानक भी है, आप उसको मौके पर देख सकते हैं, जबकि प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज ने कई बार खबर